हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं मोहम्मद चावेज, मोहम्मद इनायत। 3 साल के बाद फाइनली बड़े पर्दे पे आ चुकी है केजीएफ 2, यस, चैप्टर 2। और हमने देख ली वेरी फर्स्ट शो ऑल ओवर इंडिया। 1:30 का हमारा शो था रात के, और अब लोग अब बज रहे हैं सुबह के 5, सुबह के 5:30, और हम लोग इसलिए शूट कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर टेक, क्या बोलते हो आप इस फिल्म के बारे में? सबसे पहली बात तो देखिए, 3 साल हमको इंतजार करना पड़ा। 2018 दिसंबर में आई थी ये जीरो के आगे, तब किसी ने एक्सपेक्टेशन किया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ये अपलॉट कमाएगी ओवर द वर्ल्ड और पैन इंडिया भी, एंड खुद मेकर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना कुछ हो जाएगा यहाँ पे। एंड यस, KGF 2 इट इज़ वॉट इट प्रोमिसज टू बी। ऐसा नहीं है कि इट इज़ समथिंग बैड, नथिंग लाइक दैट। इट्स अ ग्रेट मूवी अगेन, एंड द स्केल दिस टाइम इज़ वेरी वेरी बिग। एंड वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सीक्वल, और अगर आपको पता होता है कि इसका चैप्टर 2 बनने वाला है, आपको ये भी पता होता है कि इन्होंने कुछ बड़ा बनाया होगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला चल गया तो दूसरे वाले को हम बनाएंगे बाद में। इन्होंने पहले सोच के रखा था, एज द मेकर्स ऑल्सो हैव बीन स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट दे डिड नॉट चेंज एनीथिंग, इट रिमेन द सेम व्हाट दे हैड प्लान्ड। एंड ऐसा कुछ प्लॉट बड़ा बनाना ऐसा कुछ सोचा नहीं, एंड एक्चुअली इट्स बिगर। लाइक अगर आप सोचें KGF 1 को एक बहुत ही छोटे एरिया में हुआ था, यहाँ पे एक बड़े एरिया में हो रहा है, और वो एरिया हमको विजुअली भी दिखता है वहाँ पे। जो हमने बाउंड्रीज बनाए थे एक KGF के कैनवास के बारे में, उसको वो ब्रेक करते हुए बहुत दूर तक जाता है ये। एंड एक्चुअली इट्स अ विजुअल ट्रीट बोल सकते हैं। इट्स एन अमेजिंगली शॉर्ट मूवी, एंड आई वंडर कैसे शूट कर लेते हैं ऐसे मूवीज़, एंड हाउ ही एक्चुअली नेल्ड सच काइंड ऑफ सिनेमाटोग्राफी, सच काइंड ऑफ शॉट्स, वो अमेजिंग थे। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी वेरी, एज ही ऑल्सो नोटिस्ड, वेरी वेरी स्लो। बोल सकते हैं कि आप आधे घंटे तक तो हमको पता है कि क्या हो रहा है भाई, बस हाँ देखा भाई, देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, बट अगेन व्हाई यू आर ड्रैगिंग सो मच, व्हाट्स हैपनिंग। धीरे 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 द मूवी पिक्स अप, एंड अगेन अधीरा कम्स, अधीरा इज एन अमेजिंग वॉ मैन। संजय दत्त हैज लिटरली किल्ड इट। संजय दत्त एक्चुअली अपने लुक्स से, एक्शंस की बात में आएंगे, with his looks and with his overall personality, what he has been gifted with, nothing that he developed something for this it's just that what he already has in him, wo jo personality hai, wo jo face hai, wo jo shoulders hain broad, wo jo overall body hai unka, jo chaal hai aur unke jo signature moves hote hain, waise kaise wo kuch hota hai wo mannerism unka, Sanjay typical vastav mannerism, वो यहाँ पे बहुत खिल के आता है, वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, वो एक उनको एक इंटरनेशनल स्टार बनाने के लिए भी वो एक ये करता है वहाँ पे। एंड अगेन द फर्स्ट हाफ इज़ वेरी वेरी मच ऑफ, मैं बोल सकता हूँ कि इट्स प्री KGF 2, लाइक दे जस्ट ही जस्ट ट्राइंग टू सेट अप बेस फॉर द फॉर व्हाट्स गोना हैपन इन द सेकेंड हाफ। द एक्चुअल मूवी हैपन इन द सेकेंड हाफ, जो एक्चुअल होता है, जो बहुत कुछ होता है वहाँ पे, ज़्यादातर उसमें जो स्केल एकदम से ब्लास्ट एक्सप्लोड होके जो बड़ी बनती है स्केल, वो सेकेंड हाफ के बाद में ही होती है। एंड स्पेशल मेंशन टू प्रशांत नील, जो इन्होंने ऐसा कुछ सोचा था पहले भी, क्योंकि इन्होंने जब सोचा था, जबकि तब ज़्यादा कोई लोग सोचते नहीं थे इस तरह की मूवी एक। एंड ऑल्सो क्या था उनका नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिनेमाटोग्राफर, वन सेकेंड, हिज नेम इज़ गौड़ा सम, यस, भुवन गौड़ा। भुवन गौड़ा हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन सिनेमाटोग्राफी, एंड ही हैज़ एक्चुअली बीन अ ग्रेट सिनेमाटोग्राफर अब तक भी, एंड दैट एक्चुअली लुक्स लाइक अ रियल वर्ल्ड जो कि इन्होंने उसको बनाया है, मतलब जो आंखों को दिखता है यहाँ पे, मोर ऑफ ब्लैक्स, मोर ऑफ ग्रे, वेरी लेस कलर्स। इनफैक्ट हमको ब्लू स्काई उसमें देखने को मिला बहुत ही कम सीन्स में, एक या दो एक सीन में, वो भी कुछ देर के लिए ब्लू स्काई एक्चुअल जो है वहाँ पर दिखा हमको। इट्स टोटली सिनेमैटिक है वो, एंड मोर ऑफ ग्रेश, मोर ऑफ ब्लैक्स, एंड वॉट ग्रेट स्क्रीन देन टू वॉच इट ऑन ऑनिक्स, इज टू सी ब्लैक्स एज ब्लैक्स नॉट ग्रे। एंड या द सेकेंड हाफ वॉज अमेजिंग, इलेक्ट्रीफाइंग। इट एक्चुअली द क्लाइमैक्स इटसेल्फ वॉज, इट वॉज लाइक अ लॉन्ग क्लाइमैक्स था, बहुत बड़ा क्लाइमैक्स था, एंड इट इज एक्चुअली गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, अपने आप को बेटर होते जा रहा था, वो हमको लेके जा रहा था अंदर वो। एंड व्हेन द फाइनली मूवी फिनिश्ड, वी वर लाइक ओके भाई, आई एम सेटिस्फाइड, इट्स ओके, जो जो कंप्लेंट्स थे हमारे, हमने माफ कर दिए। या ओवर टू यू। ओके, सो
जब केजीएफ फर्स्ट देखी थी तो बहुत बहुत चीज़ें इसमें अलग थी, जैसे कि इसका जो स्टोरी बोलने का तरीका तरीका है, नरेशन, इट्स वेरी क्वाइट डिफरेंट, मतलब उस जमाने में तो एंड डेफिनेटली इट्स वन ऑफ दोज फिल्म जो कि आई थिंक इंडिया की फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म बोल सकते हैं हम लोग, उस जमाने में सोचा गया था, ये एग्जीक्यूट देर से हुई और आई देर से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और जो प्रशांत नील का बोलने का तरीका है स्टोरी, वो बहुत ही अलग है। जैसे कि फर्स्ट हाफ में हमने देखने को मिला था, जैसे इस नरेशन स्टार्ट होता है स्टोरी का, तो वो कैरेक्टर्स को एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में दिखा देते हैं कि दिस 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 ये वाई 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 एंड देन हिज स्टोरी स्टार्ट, एंड वो बहुत स्लो ही चलती है स्टोरी। देन उनका सेकेंड हाफ में केजीएफ फर्स्ट में भी ऐसे ही हुआ था। I see, exactly. और सेम थिंग हैपेंस हियर, स्टोरी स्टार्ट्स, देन अगेन जो भी एक्सप्लेनेशन है चक 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 सेट कर देते हैं वो, एंड देन द स्टोरी स्टार्ट्स। और वो व्हाट हैपेंस यू नो, केजीएफ वन में एक रॉकी का कैरेक्टर बन चुका था, डेफिनेटली हम लोग जानते थे रॉकी को एज ए भाई, एज ए यू नो गैंगस्टर, और वो कुछ मतलब कि ब्रेव है, कुछ करेगा एंड ऑल, लेकिन एज ए डॉन, एज ए बिगेस्ट क्रिमिनल, एज ए बिगेस्ट बिजनेसमैन, जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे बना, वो क्यों बना, क्या हुआ, वो सेटअप करने के लिए बहुत देर लग गई। दैट्स वाई ही सेट के फर्स्ट हाफ बहुत ही ड्रैग किया गया था, बहुत ही स्लो था, या लेकिन बहुत सारे अमेजिंग मोमेंट्स भी हैं, थोड़े बहुत थे मोमेंट्स हैं, बहुत सारा यू नो अमेजिंग स्टफ है, जैसे कि मास फीलिंग आती है ना लोग, एग्जैक्टली मास फिल्में देखने पर जो पसंद करते हैं उनको बहुत पसंद आएगी। लेकिन इंटरवल तक ये फिल्म अगर हटा दें तो सेकेंड हाफ इज समथिंग बहुत ही अमेजिंग, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली फर्स्ट हाफ के बाद यू नो बेसिकली क्या हुआ कि ये फिल्म देखने से पहले जो हमारे एक्सपेक्टेशन काफी हाई थे केजीएफ से, फर्स्ट हाफ देखने के बाद ऐसा लगा कि हम लोगों को एक एक्सपेक्टेशन इतने हाई नहीं रखने चाहिए थे। एग्जैक्टली लेकिन सेकेंड हाफ में वो एक्सपेक्टेशन और क्रॉस कर देता है। एग्जैक्टली सेकेंड हाफ इज अमेजिंग। यश यश का फर्स्ट यू नो बहुत ही अलग ही, बहुत ही कूल और काम है, उनकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह वगैरह एंड ऑल, और वो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत मतलब कि एक डायलॉग तो उनका जो कि वायलेंस 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 का जो बोलने का तरीका था, वो ट्रेलर में ही इतना फेमस हुआ कि आज जब वो थिएटर में चल रहा था तो पीछे से लोग उनके साथ बोल रहे थे वो डायलॉग। एग्जैक्टली उसी पेस में और वो दैट शोज के वो इस फिल्म का क्या इम्पैक्ट है ऑडियंस के ऊपर। बट डेफिनेटली संजय दत्त, यू नो अब थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि हर पैन इंडिया फिल्म आने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये एक्टर एक पैन इंडिया एक्टर बन चुका है, अभी ही हैज अमर्ज्ड एज अ पैन इंडिया एक्टर। वो हमने आरआरआर में ही बोला था, वो हमने पुष्पा में ही बोला था, हर फिल्म में, लेकिन इस फिल्म में संजय दत्त हैज कम एज अ पैन इंडिया विलन। यस वो उन्होंने उन्होंने नेगेटिव रोल पहले भी किया है, चाहे वो अग्निपथ हो या चाहे यू नो वास्तव में भी काफ़ी हद तक नेगेटिव रोल ही था उनका, यू नो बहुत सारे रोल्स उन्होंने नेगेटिव में किए हैं, लेकिन ये रोल उनका याद किया जाएगा हमेशा के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट द सिनेमाटोग्राफी, डेफिनेटली सिनेमाटोग्राफी, ये फिल्म बहुत ही डार्क है, वो हमें फर्स्ट पार्ट में ही देखने को मिल गया था, लेकिन सेकेंड पार्ट को और डार्क किया है इन्होंने। Exactly. और बहुत ही यू नो फिल्म के पेस को, मतलब कि फिल्म के कॉन्सेप्ट को इतना सूट करता है वो डार्क वर्ल्ड के, हम लोग उसमें यू नो फील होता है कि यू नो जब भी हम कोई भी फिल्म देखते हैं ऐसी थ्रिलर फिल्म या एक्शन फिल्म, तो उसका जो ग्रेडिंग होता है, कलर ग्रेडिंग होता है, वो बहुत ही लाउड बहुत ही ब्राइट होता है, लेकिन एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर इसका कलर ग्रेडिंग और यू नो फिल्म बहुत ही डार्क फिल्म है, और वो इसका एक हाईलाइट और एक एडवांटेज भी है एक, फिल्म का। एक अपनी अपनी एक वो नेचर है उसका। इनफैक्ट हाँ। वो जो सीन में जहाँ पे वो रेड सूट पहन के जाते हैं मिलने के लिए अपेरेंटली वो उनके जो रश्मिका सेन को जो क्या नाम उनको मिलने हाँ। जाते हैं वहाँ पे, उस सीन में तो सब कुछ ब्लैक है, इनका सिर्फ सूट ही रेड है, एंड द फ्लावर्स वो जो वाइब्रेंट कलर देखते हैं, अरे इतनी देर के बाद कुछ ना कुछ तो कलर देखने को मिला हमको। बट अगेन हीरोइन के जो अवकाश अटायर है वो कलरफुल होता है बाकी सबसे, एंड वो उसमें से वो थोड़ा उभर के आती हैं वो, और रॉकी के जो अपने सूट हैं वो तो अलग अलग अतरंगी डिजाइन, आई लव दिस गोल्डन सूट्स, गोल्डन सूट्स या थोड़ा अतरंगी डिजाइन हैं वो। और उसके अलावा बात करें तो रवि बसरूर की अगर म्यूजिक की अगर बात करें तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि उन्होंने कुछ अलग किया है यहाँ पे, जो KGF 1 में था वो KGF 2 में भी वही किया है। और मुझे शोर शराबा ज़्यादा दिखता है, म्यूजिक कम दिखती है इनके मुझे इसमें, एंड इनफैक्ट जो पहले हमने देखा था इट एक्चुअली फेल्ट लाइक गूज़बम्प्स हुए थे हमको, एंड उसके बाद हमने वो एक मूवी आई थी ना सलमान खान के बहनोई की,
क्या नाम है उसका, अंतिम, हाँ अंतिम, अंतिम में सुना था, अंतिम में तो कान फाड़ दिए थे उन्होंने। यहाँ पे भी मुझे वही लगा कि इतना ज़्यादा शोर शराबे की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि अनिरुद्ध करते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो कच कर सकते, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन का जो स्क्रीम मतलब जो होते हैं ना वोकल कॉर्ड से म्यूज़िक बनाई गई है, बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादातर वही हुआ है। मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादातर ज़्यादा ही लाउड हो गया वहाँ पे, एंड इट वॉज वेरी मोनोटोनस, जो हमने पहले देखा था वही है और सारी फिल्म में वही देखने को मिल रहा है हमको। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, एंड देर वॉज आई थिंक रवि भोसले के पास था यहाँ पे कुछ करने के लिए, एक्स्ट्रा करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ उतना डिलीवर किया नहीं लगा मुझे। बट यस द स्केल इज अमेजिंग, एंड VFX की अगर बात करें तो यार 100 करोड़ की मूवी से आप ज़्यादा कुछ, 100 करोड़ की मूवी नंबर वन, लेकिन इतना बड़ा स्केल, जो कि बहुत बड़ा स्केल अगर हम देखें तो इसका जो स्केल है इट्स बिगर देन RRR का स्केल, हम बोल सकते हैं RRR का जो स्केल है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे वो सारे VFX को नेल कर लिए उन्होंने, जिस वजह से इनके पास पैसे थे। इट वॉज अ 400, यहाँ पे 100 करोड़ की मूवी आई है, उसमें से ज़्यादातर तो पैसे डायरेक्टर को, यहाँ वहाँ एक्टर्स को, इतने सारे एक्टर्स को आपने लिए हैं तो यहीं पे चले गए, तो VFX कहीं ना कहीं हमको फीका लगा। और एक्शन सीन्स की अगर बात करें तो एक्शन सीन्स पहले वाले जो फर्स्ट हाफ के जो एक्शन सीन है वो आई थिंक एक्शन सीन्स काफी कम ही थे, वेरी लेस। आई थिंक फर्स्ट हाफ में सिर्फ हमें वो बहुत एक से दो बार में देखने को वो कार के सीन थी, एंड दैट कार सीन वुड हैव बीन द बेस्ट फाइट सीन एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। बट वन थिंग वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ कर दी उन्होंने कि टू मच ऑफ क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन का जो होता है ना डिम होती है वहाँ पर स्क्रीन कट्स, ने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट यूज किया था। मुझे कॉन्सेप्ट पसंद आया अपनी जगह पे, और एक्शन सीन भी अच्छी थी, लेकिन ये दो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। ये एक्शन सीन को बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट करके, ये जो उनका कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, सीन के चलते चलते एकदम डिसॉल्व होना, एक ब्रेक देन द स्टार्ट, देन अगेन स्टार्ट, देन द स्टार्ट, लेकिन ये ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, विद अ लॉट ऑफ ब्रेक्स, चाहे तो वो कहीं पर भी दूसरी जगह यूज कर सकते थे। इनफैक्ट आई थिंक देयर इज अ सीन जहां पर एक फेस ऑफ होता है संजय दत्त एंड यश का, यू रिमेंबर द गन सीन, ये गन सीन शायद वहां पर यूज किया जा सकते थे तो बेहतर होता, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो लेकिन वहाँ पे कर दिया, दैट वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट सीन एवर, बट लॉट ऑफ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मुझे तो समझ में नहीं आया वो, मुझे तो हाउ इट हैज बीन कोरियोग्राफ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जो यश के सीन्स थे वहाँ पे, जो यश कार के अंदर बैठे हुए थे, वो सीन्स को बहुत ऑब्वियसली अलग से शूट किया गया है, उस वो कहीं ना कहीं वो डिटैच लग रहे थे, ही सीम्ड लाइक ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर फाइट सीन, ही जस्ट लाइक कुछ फ्रेम्स में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से पैन क्या बोलते हैं ड्रोन शॉट्स में दिख रहे हैं। इट वॉज ग्रेटली शॉर्ट मूवी सीन, बट अगेन फेल्ड बिकॉज ऑफ एक चीज उसमें डाल देने की वजह से, एंड लास्ट के जो फाइट है वो तो अमेजिंग है ही उसमें, बट अगेन बोल सकते हैं कि देखिए वी कैन नॉट इवन कंप्लेन अबाउट संजय दत्त, बिकॉज संजय दत्त उसमें जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था पावर बहुत कम लग रहा था। हाँ एज अ पर्सनैलिटी, एज अ डायलॉग डिलीवरी हो जाए या फिर उनकी आंखें हो जाए, इट वॉज एन अमेजिंग ओवरऑल वॉज अमेजिंग, बट एक्शन एक्शन सीन्स में वो पावर नहीं लग रहा था, वो अपना पंच में पावर है ना, एंड इट्स मेनली बिकॉज कि उनकी वो उस टाइम पे वो अपनी जिंदगी का से बैटल लड़ रहे थे, वो इससे वो कैंसर से लड़ रहे थे भी, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा कम लगता है वहाँ पे। मतलब दिखने में एक विलन है जो कि मस्त लग रहा है, फाड़ू लग रहा है, लेकिन एक्शन की जब आती है तो उतना पावर लग नहीं रहा है, पावर नहीं है उनकी बॉडी मूव नहीं हो रही है ठीक तरह से, तो वहाँ पे थोड़ा फीका लग गया मुझे। इट्स नॉट अ कम्प्लीटली फ्लॉलेस मूवी, फ्लॉ थे, लेकिन जिस तरह से स्टोरी डेवलप हुई, जिस तरह से एंड तक लेके गए जा जो होता है वहाँ पे, और जिस तरह से दिखाया गया वहाँ पे, उसको पिक्चराइज किया गया उन सीन्स को, और आखिर के जो क्लाइमैक्स ऑब्वियसली था वो तो अमेजिंग था ही वो, एंड आई थिंक या इट डिसेंटली डिजर्व्स 3.75 स्टार्स फ्रॉम मी, एंड आई कट लॉट ऑफ स्टार्स फ्रॉम, बोल दूँ मैं कि किस लिए काट रहा हूँ, सबसे पहले तो जो स्क्रीन को जो पहले जो एक्शन सीन को जो उन्होंने कट किया था उन्होंने, मतलब काट दिया उसको ऐसे ही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हैव यू सीन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक अच्छे से फोटो लो कि उसमें से क्या करो, आप स्ट्रेट लाइन आप बना दो उसको, लाइक यू टेक अ फोटो, यू टेक अ पिक्चर एंड यू कट इट लाइक ऐसे 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 कट कर दो उसको, बीच में से कट कर दो उसको, तो हाउ इट लुक्स लाइक अ फुल पिक्चर बट हाफ ऑफ लग रही है आपको, कहीं ना कहीं वो चेहरा आपको दिख नहीं रहा है वहाँ पे, पिक्चर फोटो था ऐसा लगा मुझे वो सीन। एंड उसके बाद एक्शन सीन्स थोड़े बेहतर हो सकते थे, मतलब संजय दत्त के पार्ट पे, और एक सेकेंड हाफ का जो रोमांटिक जो अननेसेसरी दिखा मुझे,
वो एकदम से टेस्ट को ख़राब कर गया वहाँ पे। और अगेन विजय रवि बसरूर की जो बैकग्राउंड स्कोर था वेरी मोनोटोनस, वैसे ही चीखें वही सब कुछ। कभी कभी ज़्यादा चीखें डालने से ही एक आप इलेक्ट्रीफाई एनर्जी नहीं भर सकते मूवी में। देर लॉट ऑफ अदर वेज ऑल्सो, बट आई जस्ट थॉट कि मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर वन ही देख रहा हूँ मैं। और या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो बेसिकली हम लोग इसे ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बिकॉज ये हमारा एक नॉन स्पॉयलर रिव्यू है। स्टोरी के बारे में हमारे स्पॉयलर में बात करेंगे। मेरी सिर्फ यही कंप्लेंट है कि श्रीनिधि शेट्टी को बहुत ही मतलब कि मेरे हिसाब से आई थिंक उनको सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया इस फिल्म में, जो जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में यूज़ किया गया था। एंड मुझे तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया जिस तरीके का स्टार्ट किया गया था फीमेल लीड के साथ, बिकॉज फर्स्ट हाफ में स्टोरी कहीं पर और ख़त्म हुई थी और सेकेंड हाफ में कहीं और से शुरू हुई। बिकॉज एक बंदी जब एक बंदे के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है तो अगेन किस लिए उनका कटआउट हुआ, किस लिए वो अगेन प्रॉब्लम दोबारा से वो डिस्टेंस आ गया। द सेम थिंग जो कि फर्स्ट हाफ के स्टार्टिंग में हमें जो उनका अनबन दिखती है वो वही देखने को मिली। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, या बोल सकते हैं कि जो जिस तरीके के लिए वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं उसके लिए श्रीनिधि शेट्टी उस तरीके का बिहेव करती है, बट वो उतना जस्टिफाइंग नहीं था। और पूरी फिल्म में उन्हें सिर्फ दिखाया गया है, वो सिर्फ कहीं से चल रही है, कहीं कहीं पर खड़ी हुई है, कहीं किताब पढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स नहीं है, कहीं पर स्लो मोशन वॉक दे रही है, दैट्स इट। और मेरे हिसाब से सिर्फ उनको यूज किया गया है लास्ट की एक सीन के लिए, जहां पर बहुत ही इमोशनल पार्ट है, वो बहुत ही इमोशनल सीन है, हम लोग उसके बारे में स्पॉइलर रिव्यू में बात करेंगे। उस सीन के लिए चाहे तो कहीं और से भी, कहीं किसी और तरीके से भी यूज किया जा सकता था। और द सेकेंड पार्ट इज सेकेंड कंप्लेंट इज इनायत खलील। इनायत खलील के कैरेक्टर को फर्स्ट पार्ट में बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाया गया था, और मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि इनायत खलील को मुझे तो लगा कि फाड़ देगा, यार कोई बड़ा आदमी आएगा। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जगपति बाबू जो उस तरीके का पर्सनालिटी, जिस तरीके का यू नो बॉडी पॉस्चर वगैरह दिखाया जा रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जगपति बाबू होंगे, लेकिन इनायत खलील के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है। ही वॉज नॉट सच अ पावरफुल एक्टर, सच ए पावरफुल कैरेक्टर। एक्टर ही पावरफुल नहीं था वो, मैं बोल सकता हूं। कैरेक्टर के बाद में बात करेंगे। जो फर्स्ट हाफ में उनका एक चार्म बना था वो आई थिंक अधीरा के कॉम्पिटिशन में आ सकते थे एक्टिंग वाइज या फिर उनके पर्सनैलिटी वाइज, एंड वो भी फ्लॉप हो गया। एंड या उसके अलावा फर्स्ट हाफ का ही एक प्रॉब्लम था, जो कि आई थिंक पूरी फिल्म को अगर हम देखें तो एक मास फिल्म को आई थिंक वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है इस चीज़ों के अलावा, बट बेसिकली इट्स अ मसाला एंटरटेनर। आप लोग इन्जॉय ज़रूर करेंगे, ये फिल्म थिएटर पे चलने वाली है और बॉक्स ऑफिस में धमाल करेगी और एक कमाएगी भी। और डेफिनेटली क्लाइमैक्स अमेजिंग था इसका, क्लाइमैक्स बहुत ही अमेजिंगली शूट किया गया है। हाफ एन आवर तो गया क्लाइमैक्स आराम से, हाफ एन आवर गया। वीएफएक्स का प्रॉब्लम था, वीएफएक्स का प्रॉब्लम। एक सीन है जहां पर एक दोनों का केजीए मतलब के संजय दत्त और यश का फेस ऑफ होता है, जहां पर गन्स के बुलेट्स की सीन यूज की गई है, वहां पर वीएफएक्स बहुत ही खराब तरीके से यूज किया गया। चमक 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 लग रहा था बहुत ही। इट वॉज नॉट, आई थिंक इतनी बड़ी फिल्म थी ये तो और बेहतर हो सकती थी, और 100 करोड़ डाल देते कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कमा लेती आराम से, कमा लेती आराम से, और 100 करोड़ डाल के और उसको बेहतर करते तो कोई बड़ी बात है भाई। कर सकते थे ऐसा, इट हैड ऑल। अगर एक साल के बाद भी होती रिलीज मूवी तो तभी भी कमा सकती थी ये। बट अगेन आई हैव नो आइडिया क्यों उन्होंने और एक्स्ट्रा पैसे नहीं डाले और वीएफएक्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम नहीं किया। और अगर कर देते, अगर ये कम से कम 250 करोड़ की अगर मूवी होती है, द सीन वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट, एवरीथिंग डिफरेंट। मतलब अब एक्टर और स्टोरी को सेम रखो थोड़ा एनहेंस करने के लिए, क्योंकि थोड़े ऐसे सीन्स हैं जैसे कि ब्लास्ट के सीन्स हैं, वो देखा हमने जहाँ पे वो ट्रक्स का ब्लास्ट था, वो तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि वो ब्लास्ट ही नहीं है, एकदम धूल उड़ रही है, एक ऐसे टेक्सचर डाल दिया उसके ऊपर एक ब्लास्ट का, और ट्रक वहीं पर है लेकिन हमको बताया जा रहा है दैट इज़ मेकिंग अस बिलीव कि इट्स अ ब्लास्ट। सो या एंड अब मुझे लगता है कि यश भी इसमें जो पहले थे वो वही उसी तरह का एक पर्सन कैरी करते हैं ये, एंड दिस गोना बी बिगर अगेन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, इट्स गोना बी ग्रेटर अगेन। बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है। अगर आप लोग मार्वल्स की फिल्म देखते हो तो मार्वल फिल्म की जैसे इनक्रीड को आप वेट करके देखते हो, वैसे आप इसकी भी इनक्रीड को वेट करके शायद कुछ दिख जाए। मैं बहुत नोट करता हूँ यार, जैसे ही फिल्म हुई ऑडियंस भागती है एकदम बाहर, कुछ था उनके लिए, कुछ रखा हुआ है बाहर, जो निकल गए वो देखे नहीं, जो हम बैठ गए उन्होंने देख लिया। एवरी टाइम मैं जब भी फिल्म देखता हूँ तो मैं इनक्रीड तक वेट करता हूँ। जैसे कि RRR में भी ऑडियंस भाग गई, उन्होंने वो देखा ही नहीं, वो सॉन्ग देखा नहीं, वो मैजिक ही देखा नहीं। सो या हम लोग कंप्लेंट इतनी सारी इस फिल्म से इतनी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और
और ऐसा नहीं कि हम लोग यू नो थिएटर के बाहर मतलब कि डिसअपॉइंट हो क्या है, नॉट लाइक दैट. वी वर हैप्पी. सेकेंड हाफ ने बहुत ही अमेज किया है हमें, बहुत ही अमेजिंग, गुड. इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ मसाला एंटरटेनर फिल्म. बहुत दिनों के बाद एक ओवर द टॉप एक्टर्स, बट विद सर्टेन फ्लॉज. या एंड डेफिनेटली कंप्लेंट करने का हक बनता है बॉस, बिकॉज हमारे लिए बहुत खरीब ही है फिल्म, बिकॉज इट्स अ कर्नाटका फिल्म और ये बहुत ही बड़े लेवल पर बनी है. एंड जस्ट वन मोर वेरी स्मॉल पॉइंट बिफोर यू एंड, आई थिंक दे हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब फॉर द पीपल ऑफ केजीएफ. वो जो ड्रोन शॉट ली गई थी जहाँ पे केजीएफ, जहाँ पे वो सिविलाइज्ड केजीएफ बन चुका है अभी, वो एक्चुअल केजीएफ है. वो उस एक्चुअल केजीएफ, मेरे दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं बहुत सारे, इनफैक्ट मैं खुद पढ़ा हूँ केजीएफ में, कोलार गोल्ड फील्ड्स जो शहर है उसमें मेरी एजुकेशन हुई है. हम खुद साइनेट पे खेले वेले हैं, देखे हैं सब कुछ वहाँ पे. इट वॉज वेरी ग्रेट टू सी द साइनेट के सीन्स. उस तरह से एक सीन है जहाँ पे एक्चुअल साइनेट को दिखाया गया है, मतलब ज़्यादा VFX में उसको चेंज नहीं किया गया, एक्चुअल जो साइनेट होता है उसको दिखाया गया. एंड आई लव्ड इट. एंड जो सिविलाइजेशन वहाँ पे हो चुकी है, मतलब जो वहाँ पे घर वर हैं, जहाँ पे वो टंकी वंकी लगी हुई है, उसकी जो सीन दिखी मुझे, एंड आई लव्ड इट, क्योंकि एक अच्छा सा ट्रिब्यूट दे दिया उन्होंने KGF वालों को. एंड KGF इज गोइंग टू बी अ वेरी सून, जैसे कि शोले का रामगढ़ हो चुका था रामनगर यहाँ पे, जैसे KGF विल बिकम अ टूरिज्म प्लेस वेरी सून. लोगों को बोला अच्छा ऐसा था क्या, और वहाँ पे उन्होंने स्टोरी को ऐसे लाया है कि लोग बिलीव कर लेंगे उनकी बात पे कि हाँ एक बंदा था वहाँ पे और ऐसा हुआ था और इन्होंने सेटअप करके चले गए थे. वो क्यों क्लोज हुआ उसका एक लॉजिकल रीजन दे दिया उन्होंने. दैट्स इट. या सो विल बी बैक सून विद अनदर एपिसोड, बट यहाँ पर हम लोग इसे खत्म करें बिकॉज आप लोगों का वक्त ज़्यादा नहीं करेंगे. आप लोग जाके जल्दी जल्दी फिल्म देख लीजिए. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शावेस, मोहम्मद इनायत, वेरी स्लीपी आईज, साइनिंग ऑफ.